नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। 28 दिसंबर सोमवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार 29 दिसंबर सुबह 7:55 तक मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। उसके पश्चात पूर्णिमा लग जाएगी। इसी दिन 1977 में विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर ड्राइव मुंबई में खुला था। 29 दिसंबर को फिल्म अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना का जन्मदिन भी है। इसी दिन 2008 में प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा का निधन हुआ था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। 3 दिन पहले राम मंदिर निधि संग्रह रैली पर हुए पथराव का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें बेगम बाग में घात लगाए बैठे उपद्रवी भीड़ पर पथराव करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी इस बात को मान रही है कि रैली पर पथराव का षड्यंत्र पूरी तरह से पूर्व नियोजित था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। वीडियो बनाने वाली महिला पथराव करने वाले युवकों में से अधिकांश को पहचानती है। वह वीडियो बनाते बनाते उपद्रवी युवकों के नाम का भी जिक्र कर रही है, जिसके चलते वीडियो बनाने वाली महिला से पुलिस पूछताछ कर सकती है। हम आपको आगे की खबर बताएं, इसके पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। मत फेंको रे, मत फेरो, नाच के मिटो, मत करो, बहुत खतरनाक हो जाएगी। मेन फिर वो लग जाए कर्फ्यू। वो मैं भत्ता मार रहे थे तो जानवर मुंह थोनो देख तो पत्थर मारे देखो तू आ गए फ्लैट वापस आ गए। इस वीडियो के अलावा प्रशासन की कार्रवाई से नाराज वर्ग विशेष का एक और वीडियो सामने आया है। बीती रात ही यह वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वर्ग विशेष के लोग नगर निगम, जिला प्रशासन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा और गाली गलौज करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का मानना है कि बेगम बाग में रविवार को जनजीवन सामान्य होने लगा था, इसके बाद ये वीडियो जारी किया गया। शांति भंग करने के उद्देश्य से एक एक करके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। फिलहाल वीडियो डिलीट करवा दिया गया है। वीडियो जारी करने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सह प्रभारी पंकजा मुंडे सोमवार को उज्जैन पहुंची। यहां उन्होंने सबसे पहले राजाधिराज बाबा महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद लोक शक्ति कार्यालय के लिए रवाना हो गई। लोक शक्ति कार्यालय में वे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। यहां नगर निगम चुनाव को लेकर रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। वे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। वे देश की फायर ब्रांड नेताओं में शुमार है, जिसके चलते उन्हें 2017 में पावरफुल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। महाराष्ट्र में शुगर मिल और बेकिंग सेक्टर के लिए नए बिजनेस मॉडल देने के चलते उन्हें बिजनेस वुमेन के तौर पर जाना जाता है। पति पत्नी की मामूली कहासुनी में 28 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। ऋषि नगर एक्सटेंशन में रहने वाले सागर सक्सेना पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं। रविवार को कपड़े धोने की बात पर सागर और पत्नी नेहा में मामूली कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ता देख सागर थोड़ी देर के लिए घर से बाहर चले गए। वापस लौटे तो दरवाजा खटखटाने पर किसी ने आवाज नहीं सुनी। शंका होने पर वेंटिलेशन से झांककर देखा तो पत्नी फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा गया। सागर और नेहा ने 5 साल पहले ही लव मैरिज की थी। उनका एक बेटा है। जिला अस्पताल में पैनल पीएम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। नेहा मूलतः भोपाल की रहने वाली थी। नानाखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चों के विवाद में कंचनपुरा की गली नंबर 5 में दो परिवारों के बीच आधे घंटे तक हुए खूनी संघर्ष में 7 लोग घायल हो गए हैं। यहाँ रहने वाले संजय रायकवार और ब्रजलाल सूर्यवंशी में पारिवारिक विवाद है। 40 वर्षीय ब्रजलाल की पत्नी जयंती बाई अपने बच्चे को डांट रही थी, जिस पर संजय की पत्नी उषा को लगा कि जयंती बाई उससे सुनाकर गाली गलौज और चिल्ला चोट कर रही है। इसी गलत फहमी के चलते उषा के पति संजय ने जयंती बाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर दोनों तरफ से जमकर चाकू तलवार चले।
घटना में संजय, उषा सहित जयंती बाई की जेठानी लक्ष्मी, बेटा नरेंद्र, हेमंत और अभिषेक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। नरेंद्र, हेमंत और अभिषेक की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें निजी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। तराना बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 14 में नाले नालियों की सफाई नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशानी का सामना कर रहे हैं। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। यहां स्थित मंगलनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को नालियों की सफाई नहीं होने से आने वाली दुर्गंध के बीच दर्शन करने पड़ रहे हैं। यह आलम तब है जब नगर पालिका कार्यालय यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर है। क्षेत्रवासियों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी है। गंदगी ज्यादा रहती है, इसके बाद क्या वहाँ पर क्या लॉक लगा हुआ है, मतलब वहाँ पे निकासी नहीं है कि पानी निकल जाए। इधर लाइट भी नहीं है और नाली साफ भी नहीं होती है। अच्छा, परेशानी है, साफ निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ पर। अच्छा, गटर भरी है। आपका घर? एरिया मेरा घर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।